हेलो दोस्तों, हमें बारिश का जल संग्रहण करना चाहिए। देखो क्या किया मैंने कि जब बारिश आई तो मैंने ये है नाला, इस पर थैली रख के ईंट लगा दी जिससे पानी छत पे इकट्ठा हो गया। और अब मैं इनको बाल्टी, गमले या किसी भी बर्तन में भर के और हम इसको अपने कुएं या बोरिंग खड्डे किसी में भी डालकर जल संग्रहण को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने ये बाल्टी भरी, मैं लेके जा रहा हूँ इसको, और ये हमारी टंकी है, इस टंकी के अंदर डाल दूंगा इसको। ऐसे थैली लगा के जो भी कचरा होगा वो ऊपर रह जाएगा, कपड़े में अटक जाएगा। और ये टंकी देखो मैंने कितनी भर दी, आपको बताता हूँ वर्षा जल संग्रहण करके, ये देखो। तो दोस्तों इस प्रकार हम जल जीवन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें जल हमेशा इकट्ठा करना चाहिए। दोस्तों आप भी ऐसे ही अपने घर में कर सकते हैं और जल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जल हमारे लिए तो नहीं लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में क्या है, पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है, रेतीली मिट्टी रहती है जिससे जल जल्दी ज़मीन सोख लेती है और जल की कमी रहती है इधर। इसलिए दोस्तों हमको सोचना चाहिए कि जल व्यर्थ नहीं करना चाहिए, जहाँ भी मिले हमें उसी प्रकार हमें जल इकट्ठा करते रहना चाहिए। और जब आपके भी गांव घर में बरसात हो तो आपको नाले के ऐसी थैली लगा के और उस पर कुछ पत्थर रख देना है जिससे वर्षा का जल छत पे इकट्ठा हो जाए। ये हमारी छत है देख सकते हो, और इकट्ठा होने के बाद आप उसे किसी गमले या बाल्टी में डालकर ऐसे इकट्ठा कर सकते हो। इकट्ठा करके इसको किसी अपने घर में बने टैंक में डाल सकते हो और इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे मैं इस बाल्टी को भर के लेके जा रहा हूँ, लेके जाके ये हमारे टंकी है तो इसके मैंने कपड़ा लगा लिया जिससे कचरा ऊपर रह जाए और पानी अंदर चला जाए, ऐसे देख सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वर्षा जल संग्रहण करना आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक मत करिए, एक बात और।